शहर के प्रसिद्ध मेहंदीकोला माता मंदिर जाने वाले सड़क इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। इस सड़क पर टाटा कंपनी द्वारा केबल डालने का निर्माण कराया गया था, जिसके चलते सड़क को खोद दी गई। इसी दौरान सीवरेज का पाइप लीकेज हो गया था। कंपनी द्वारा केबल डालने के बाद सड़क को वापस दुरुस्त नहीं कराया गया। क्षेत्रवासी हरि गुर्जर ने बताया कि बारिश के पानी यहाँ जमा हो गया और आने जाने वाले सभी यात्री और स्कूल बच्चे सहित बुजुर्गों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। ये 10 दिन से लीकेज हो रही है, इसके कोई देखने वाला नहीं है और गंदा पानी आ रहा है। मेहंदीकोला माता के मंदिर पर जाते आते लोग और गुप्त नवरात्रा चल रहे हैं और नहा धो के जाते हैं, छींटे लग रहे हैं, कोई गौर देने वाला नहीं है। बूढ़े वडेरे आदमी सुबह घूमने वाले आते हैं, गिर जाते हैं, स्कूलों खुल गई है, बच्चे जाते आते हैं, गाड़ियों के छींटे मार रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं लोगों के। 10 दिन से ये सीवर लाइन बंद पड़ी है, इसको चालू नहीं देखभाल करने वाला है। और ये कहना है मेरा कि जल्दी से जल्दी प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आपको निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी चालू कराई जावे। अभी सड़कों की हालत कैसे? सड़क सिविल लाइन, ये केबल लाइन खोदने वाले टाटा कंपनी ने ये सारी रोड का नाश कर रखा है। आके कोई देख के गौर तो दो, हम कह रहे हैं तो क्या आप भी तो देखो, गौर करो। किस जगह का मामला है ये? मेहंदीकोला चौराया माता जी के मंदिर पे जाता है ये रास्ता, आपका पोल्ट्री फार्म के सामने। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।